आज हम सभी की फेवरेट और इजीली बनने वाली चौमिन बनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कांता भोनेकर, भोनेकर्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम पॉट में बॉयल वाटर कर लेंगे और उसमें नूडल डाल देंगे। मैंने इसमें हक्का नूडल्स लिए हैं, मैं आगे भी टिप्स देते रहूंगी। इसमें आधा चम्मच हमें सॉल्ट डाल देना है क्योंकि वो नूडल में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। नूडल्स को हमें 80% तक ही पकाना है, ये टिप नंबर वन है। और फिर इसे ड्रेन कर लेना है, छन्नी की हेल्प से हम लोग इसे ड्रेन कर लेंगे। और इसमें 1/2 टीस्पून में ऑयल डाल दूंगी और जो चम्मच है उसके पीछे साइड से हमें इसे मिक्स करना है जिससे कि नूडल्स टूटेंगे नहीं। एक पैन लेना है, उसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब करीब मैंने ऑयल ले लिया और उसमें चॉप किया हुआ मैंने गार्लिक डाल दिया और अदरक भी चॉप करके डाल दिया है। इसकी जगह पे आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, इसे थोड़ा गोल्डन कलर का आते तक भून ले। फिर इसमें ग्रीन चिली मैंने चॉप करके डाल दिए हैं, 2 के करीब ले लिया है, उसे चॉप करके अच्छे से डाल दिया। उसे अच्छे से 1 मिनट तक सौटे होने दें कलर चेंज होते तक। अब हमें क्या करना है, इसमें अनियन डाल देना है। एक मीडियम साइज का मैंने अनियन लिया था, उसे लंबे लंबे काट लिया है और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं चलाना है इसे, बस आधा मिनट तक चलाना है, थोड़ा सा कलर चेंज होते तक बस। अब इसमें हम कैबेज डाल देंगे, इसे भी मैंने लंबे लंबे काट लिया है, बहुत ही बढ़िया। अब इसे मिक्स करना है और जस्ट आधा मिनट तक ही चलाना है, हमें इसे पकाना नहीं है, हमें इसे क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, मैंने इसमें तीनों कलर की कैप्सिकम लिए हैं, आप सिर्फ ग्रीन कलर की भी डाल सकते हैं। और कैरेट्स भी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 मिनट तक इसे चलाते रहना है। इसे भी पकाना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा सॉटे करना है कलर चेंज होते तक। तो यही है टिप नंबर 2 कि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है और हमें इसे क्रंची रखना है। फिर मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल दिया मैंने और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए एक्स्ट्रा का रख दिया। बढ़िया, अभी घुमा दिए इसे हमने, चला लिए और ये देखिए हमारे नूडल कितने अच्छे से खुले खुले हो गए हैं। तो अब नूडल्स हम इसमें डाल देंगे। बढ़िया, अब ये नूडल्स डालने के बाद में इसमें मैं 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डाल दिया मैंने, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया और 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाल दिया है। इसे मिला दे थोड़ा सा, उसके बाद में हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने व्हाइट विनेगर डाल दिया और इसे मिला ले या फिर टॉस कर ले, बहुत ही बढ़िया। और फिर ऊपर से गार्निश करें स्प्रिंग अनियन से और गर्मा गर्म परोसे। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।